नमस्कार दोस्तों, मैं अच्छे लाल भगत अपने YouTube चैनल अनुराग कॉमन सर्विस में आप सबों का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। सभी किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, वो बड़ी अपडेट क्या है उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के घंटी को दबा दीजिएगा ताकि ऐसे ऐसे लेटेस्ट वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित करता है। और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल सके कि जो किसान के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है वो अपडेट क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना लैपटॉप को स्क्रीन पे आना है। लैपटॉप को स्क्रीन पे आने के बाद आपको अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है dbt agriculture.bihar.gov.in। ये टाइप करने के बाद आपको एंटर कर देना है। जैसे ही एंटर कीजिएगा तो आपको ये पेज ओपन होगा। फिर यहाँ पे प्रोसीड टू होम पेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका इंटरफेस कुछ इस प्रकार ओपन होगा। तो ये इंटरफेस ओपन होने के बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल को नीचे करना है। स्क्रॉल नीचे करने के बाद यहाँ पर देखिए डीजल अनुदान खरीफ 2022-23 आवेदन करें। यानी कि दोस्तों आज सुबह से ये आवेदन होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सभी योजनाओं का ऑनलाइन आवेदन 9 बजे सुबह से शाम 6 बजे तक ही होगा। यानी कि दोस्तों 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप डीजल अनुदान खरीफ के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जहाँ पे सूखाग्रस्त हुआ है वहाँ पर सभी ज़िलों के लिए ये डीजल अनुदान खरीफ फसल के लिए ऑनलाइन आवेदन होना आज से स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये किसान के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। तो दोस्तों, इसको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन कागज, डीजल का रसीद और खेत का रसीद, ये तीन चीज़ आपको देना अनिवार्य है और आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आज सुबह 9 बजे से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा डीजल अनुदान खरीफ के लिए। तो ये था आज का दोस्तों किसानों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के लिए धन्यवाद।